हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे स्काउटिंग कैंप का गुड मॉर्निंग कौन सा दिन है? छठा दिन है। कल हमारा स्काउटिंग कैंप ख़त्म होने वाला है और आज हम बहुत ऊंचाई की हाइक पर पैदल चलने वाले हैं। परेशान तो होंगे लेकिन मज़ा आएगा। और एक जो ऐतिहासिक बिंदु है वहाँ पर जाने वाले हैं, सभी साथ में जाने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हमें बहुत ऊँचाई चढ़नी है, हम थोड़ा सा चढ़े लेकिन क्या हो गए, परेशान हो गए लेकिन आदत पड़ जाएगी और बहुत ऊँचाई पर चढ़नी। और ये ब्लॉग हमारा बड़ा शानदार होने वाला है। हमारे डॉक्टर विजय जी सर जो भागे जा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं लेकिन रुक गए हैं, हमारे कमेंट पास कर दिए, रुक गए हैं। और हमें बहुत आगे और बहुत दूर जाना है। और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की है? हाँ सर बताएं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली से। वो कौन सी है? वो रखड़ी में बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कौन सी है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, संस्कृत से आचार्य पद धारण करके, आचार्य पद धारण करके इन्होंने पीएचडी किया है। आता एक श्लोक नहीं है। हाँ ये भी बात है, लेकिन आचार्य पद बंद अब धारण कर चुके हैं। हमारा आज का हाइक का पॉइंट कहाँ पर है? गौमुख। सभी बड़े इंटरेस्टेड हैं और yes, हम हेलो गाइस। हाँ ये मित्र हमारे कहाँ से, आप कहाँ से सर? सर मैं बीकानेर राजस्थान। बीकानेर रसगुल्ला से सर, फ्रॉम नवाबों की नगरी टोंक। क्या बात है सर, डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर। आप सर? हेलो मैं हूँ दीपक कुमार, बांसवाड़ा राजस्थान से। क्या बात है सर। आप सर? हेलो मैं राकेश, रतनगढ़ चूरू से। क्या बात सर। आप? सर मैं बीकानेर राजस्थान से और मैं उस शहर से हूँ, कहते हैं ना कि ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गेणो सा, अरे पांच चीज प्रति सिरे, वाह बिखाना हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शॉर्ट में समझा दे जाके, नमकीन भुजिया पापड़ रसगुल्ले। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा। पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं सभी से यहाँ लोग उपस्थित हैं। और आपको मेरी मूछे अभिनंदन वर्धमान की तरह है, मूछे हमारे सर की उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और हमारे जो कैंपिंग है उसमें सभी पूरे राजस्थान के संभागी हैं और हमारे कैंपिंग का मजा ले रहे हैं कि आज छठा दिन है और कल हमारा लास्ट डे है, इसलिए आज के दिन जितना एंजॉय करते हैं उतना कर सकते हैं उतना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की वादियाँ और यहाँ का जीवन बहुत ही सुंदरतम, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है लेकिन फिर भी यहाँ पेड़ों की हरियाली की वजह से बहुत कम टेम्परेचर है जो हमें देखने को मिल रहा है। ये जंगल के व्यू चट्टानों के बीच में जो गुम्बद बना हुआ है, हम फिलहाल माउंट आबू पर्वत पर हैं ऊपर और चढ़ते जा रहे हैं। हम और हमारे सर साथ में कुछ साथी आगे चल रहे हैं, हमारे सर पीछे से आ रहे हैं और हम धीरे धीरे हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है गौमुख वहाँ पहुँचने वाले हैं। और माउंट आबू की वादियों में होते हुए बहुत ही हरियाली वाला दृश्य और इतनी राजस्थान की भयंकर गर्मी में थोड़ी राहत पहुँचाता हुआ दृश्य। ये गौमुख जाने का रास्ता है जहाँ का एंट्री पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से कितना अंदर है और कितनी ऐसी जगह है वहाँ पर जाना है। और यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जो गुरुमुख वशिष्ठ महंत रामचंद्र जी महाराज का कोई रास्ता है वहाँ जाकर के हम देखते हैं। ये बहुत फेमस है माउंट आबू में, देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। अब हम हमारा गौमुख का जो पॉइंट है उसमें आज मिड पॉइंट में पहुंच चुके हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करने के हम चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़ेंगे फिर उतरे, ऐसे हमारे सभी सर साथ में हैं और हम और ये माउंट आबू की वादियाँ। हम और हमारे रवि सर साथ में, रवि सर पूरे रास्ते हमारे साथ में चले हैं हमें सपोर्ट करते हुए कि हम पूरा वीडियो क्लिप अच्छे से ले, यहाँ के जंगल का और यहाँ का जो एडवेंचर पॉइंट है उसका बहुत अच्छे से व्यू ले। बाकी सब हमारे साथ ही आगे निकल गए हैं लेकिन हमें हमारा वीडियो हमारे सभी दोस्तों से तक पहुँचाना है ताकि हर कोई व्यक्ति माउंट आबू के जो एडवेंचर है, यहाँ की हरियाली है और यहाँ के जो पहाड़ हैं और जो यहाँ की मतलब झील है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको देखने के लिए यहाँ आए। अभी हम जो मेन पॉइंट अभी पहुँचे नहीं हैं, हम मेन पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ की चीज़ के बारे में और भी विहंगम दृश्य वो मैं आपको वहाँ का बताऊँगा। जय हो गणेश जी महाराज। गौमुख का पानी बहुत मीठा और बहुत ठंडा।
ये देखने को मिला इतनी दूर आने के बाद हमें बहुत ऐसी में यहाँ पर मजा आया, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत अच्छी बहुत यूनिक पर्सन देखने को मिली, जहाँ इतना ठंडा पानी और इतना अच्छा। बहुत नीचे आने के बाद हमें ऊपर चढ़ना है और इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ हमें कुछ एक जगह और है वो बताएंगे वहाँ पर। जब तक के लिए बाय। गोमुख पॉइंट पे आने के बाद ये मंदिर हमें देखने को मिला है, बहुत नीचे है और बहुत ही विहंगम दृश्य। आपको पीछे ये देखिए, ऊपर बहुत बुरी ऊपर बहुत ऊपर है और बहुत नीचे हम हैं, 1700 सीढ़ी नीचे हैं, और यहाँ का जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। अंदर मंदिर का दृश्य हम अंदर जाके दिखाते हैं। लाइन लगाओ लाइन से चलो, उधर लाइन में चल, लाइन में लाइन में लाइन में अब जाओ उधर, चलो हो गया। अब हमारा गोमुख तीर्थ का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वहाँ हम आ चुके हैं, अच्छे से हमने दर्शन कर लिया है। और यहाँ का जो जितना भी एडवेंचर है, जितनी भी हरियाली, इधर देखें कितनी हरियाली है, और उधर हम जब सीढ़ी से आए थे बहुत ऊपर चढ़ना है भैया, देखो वो हमारे साथीगण चढ़ रहे हैं। 600 सीढ़ियाँ हैं यहाँ, 1700 सर, 1700 सीढ़ियाँ हैं, 1700 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है, उसके बाद 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर हम अपने सेंटर पर पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके दोपहर का भोजन होगा, उसके बाद अन्य गतिविधियाँ होंगी वो उसके हिसाब से। हमारा यहाँ का डेस्टिनेशन पॉइंट कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ के एडवेंचर का माउंट आबू में बहुत ही हरियाली और बहुत ही अच्छी यहाँ की जो वादियाँ हैं, बहुत अच्छा जो व्यू है वो देखते हुए यहाँ की चीज़ों का आनंद लिया। और यहाँ के हम परेशान भी हुए, हमने बहुत सारा मतलब हम थोड़ा रिलैक्स भी नहीं हुए, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ बात यहाँ है कि इतनी भयंकर गर्मी में भी यहाँ का एडवेंचर और यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही डाउन है, और बहुत ही हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरे को जैसा लगता है कि आपको ये मेरा ब्लॉग और ये जो यहाँ की वादियाँ है माउंट आबू का जो पॉइंट ऑफ व्यू गोमुख का है वो बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कमेंट करें, पूछें, बताएं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर है माउंट आबू में। जब भी आएँ घूमने का प्लान हो माउंट आबू में आएँ और यहाँ आ करके एंजॉयमेंट करें। तब तक के लिए बाय, सब अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।